पीथमपुर नगर पालिका चुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। शुरू से ही कांग्रेस ने बढ़त बनाना शुरू कर दी थी। जीत की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना और नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। सुबह 9 बजे सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की गई। कुल 9 डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें 3 निरस्त हुए, वहीं 6 में से 4 मत कांग्रेस को मिले व 2 बीजेपी को मिले। पहले दौर की गणना के साथ ही कांग्रेस ने जीत का श्री गणेश कर दिया। सबसे पहले जीत का आगाज सेवंती बाई पटेल वार्ड 7 से हुआ। उन्होंने भाजपा की कविता द्विवेदी को 700 से ज्यादा मतों से हराया। उसके बाद लगातार कांग्रेस व बीजेपी के समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत की खबर पर खुशियां मनाते रहे। जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम ने बताया कि यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारी है। भाजपा का भ्रष्टाचार अपने चरम तक पहुंच गया था। अब हमारी परिषद बनेगी और पीथमपुर की जनता को विकास करके बताएगी। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि नगर पालिका परिषद के चुनाव में हमारी जीत पहले से निश्चित थी। हमने अपनी उम्मीद से 2-3 सीट कम लाए। उसका एक कारण बाकी प्रत्याशियों का समय पर न बैठना रहा, नहीं तो हम 22 सीट जीतते। भाजपा के कई दिग्गज चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा नाम मनोज जायसवाल का है, जिन्हें कांग्रेस के विनोद चौहान ने भारी मतों से हरा दिया। वहीं वार्ड 17 से मनीषा शर्मा कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बहुत करीबी जीवन रघुवंशी को हराकर इतिहास बना दिया। वार्ड 25 भाजपा से बागी सुधा राजेश चौधरी ने जीत हासिल की है। जीत की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर नारेबाजी शुरू कर दी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। 31 सीट में से 17 सीट कांग्रेस, 1 निर्दलीय, बाकी बीजेपी की सीट गई है। ओवरऑल निर्वाचन प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई है, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत जीत के आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, किंतु हमारे कुछ निर्दलीय जो कांग्रेस से टिकट मांगे गए थे उन लोगों ने फार्म नहीं उठाए, इसके कारण हमको थोड़ी तकलीफ आई। नहीं तो हम 20-22 सीट लाने की स्थिति में थे। पूरे जिले में क्या स्थिति है? पूरे जिले में कांग्रेस अच्छे बहुमत से आ रही है। धार में भी 17-18 सीटें हम ला रहे हैं 30 सीट में से, और पूरे जिले में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। जीत के बाद ये जीत पीथमपुर के माताओं बहनों नागरिकों की जीत है, वो भ्रष्टाचार के ऊपर ये जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार चला 5 साल, जनता यहाँ की समझ चुकी, जनता ने देखा, उसको देख करके उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। और हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ी मेहनत ताकत से और ईमानदारी से काम किया, उसका प्रतिफल हमको मिला कि हम यहाँ परिषद बनाए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।